सोया चंग से आज और सबसे ज्यादा मिस कर रहे हैं हम अपने महादेव प्रसाद जी को और जिनकी कमी हमें बहुत खल दी है, बट लेकिन उनका जो ग्लास है उस साइड में रखा हुआ है, तो जब भी आएंगे तो ग्लास उनका यहाँ पे रखा हुआ है और एक ये पहले ही रख दिया है। सोया चंग भी उनके लिए पहले ही रख दिया है, पहले रख दिया, सही कर रहे हो। साथ में नेगी बड़े जी के गाने हैं और महादेव प्रसाद भरजी को मिस कर रहे हैं। चलो आ जाएंगे दो तीन घंटे बाद। क्वीत बात होली तो भरजी माँ, हाँ क्वीत बात होली तो भरजी माँ। अगर इसी को साल कैमरा लगा के कोई मेकअप करता है तो ऋतिक रोशन से कम सही बात है। और वो भी जैसे जिस तरह के कैमरे इनके ना उतनी क्वालिटी तो अभी तक वहां नहीं पहुंचे कैमरे की, और वो ना कि और भी अच्छे कैमरे। क्वीत बात होली ते विस्की मां, आज काफी बाद हम तो आज ये हमारी ये पार्टी किस कौन सी पार्टी थी? ये थी हमारी आफ्टर वैलेंटाइन। ओ ये ड्यू थी वैलेंटाइन, वैलेंटाइन की पार्टी ड्यू थी हमारी, बहुत व्यस्त होने के कारण। हाँ हम लोग सभी हॉस्पिटैलिटी लाइन में जॉब करते हैं। हाँ, और हमारी पार्टी 21 तारीख को रखी गई वैलेंटाइन पार्टी। तो हमारे वैलेंटाइन नीचे बैठे हुए हाँ साथ में, और ये गिलास पैलेंट बिल्कुल टाइट है। नहीं नहीं ओपनिंग आज आज के मैनेजर आप हो, और ये अपने कोठियाल जी, ये वैलेंटाइन सलेंदरा कोठियाल जी सर। पीके साहब पे एक चीज है, जिधर देखा उधर एक मैनेजर तैयार। नहीं डिसल लेते हैं ना, हम बिस्ट हैं भैया, हम साफ बात है, हम ऐसा ना एक मक्खी नहीं मरेगी, बोला था ना एक मच्छर नहीं मरेगा, हम लेते कुछ नहीं देते हैं। हाँ ये तुम्हारा, ये तुम्हारा लो, ऐसे नहीं मारते हम, ऐसे नहीं है। हाँ डिसीजन लेने में देर लगाते हैं, चाहे नौकरी छोड़नी हो नौकरी पकड़नी हो, बोला था ना एक मच्छर नहीं मरेगा। मतलब ओ योगी अपना अपना योगी बाबा बिस्ट हमारे गाँव के हैं वो, हाँ पौड़ी गढ़वाल इडवाल सिंह पट्टी, हाँ पट्टी है ना, हाँ पट्टी है इडवाल सिंह, वो सिद्ध के हम के पर हैं, हम एक ही मसडा बिस्ट हैं। अच्छा हाँ एक ही हमारा गोत्र एक ही है मसडा बिस्ट। हाँ तो आप सोचो बिस्ट कैसे होता है, डिसीजन लेने में देर लगाते कम ज़्यादा डाल दो, उनका उनका डाल दो, एक माधी जी के गिलास का डाल दो, वो भी डाल दो, जैसे जैसे पीते रहे वैसे वैसे टॉप अप करते रहे ना, पानी में डाल ये तुम इतना पिया बोला हमने, लोग यहाँ पे देखे मैंने पानी नहीं डालते स्क्वाश में, पानी नहीं डालते, आइस क्यूब डाल दे। हाँ आइस क्यूब से यार उसको हिला और लेते भी ऐसे टेस्ट टेस्ट ही होता उसका। हाँ, बात सही, उसका पीने का भी वही है ना। हाँ, हिलाया तो यूं करते लोग, पानी तो कोई डालता ही नहीं ना, वही आइस में ही। हाँ चुस्की लगा, चुस्की लगा उसकी, और उसमें कम भी नशा चढ़ता है। हाँ 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 पानी है ना। हाँ हाँ सही है, ठंडा है। अच्छा आपने आइस भी रखी हुई है, आइस भी रखी है। अच्छा आज आइस डालो, एक एक क्यूब, एक एक क्यूब, एक एक क्यूब डालो आज, आज अलग टेस्ट ले लो। चलो पहली बार पी रहे हैं हम ऐसे, नहीं तो हम ऐसे पीते नहीं हैं। नहीं मैंने करी एक दिन। अच्छा पर उसको पिए मैं ना, वो जो गले में तो नहीं लगती ना, नहीं लगती। अच्छा एक ही डालना मेरे लिए, इसमें एक चीज और बस 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 मेरे लिए एक ही डालना बस, चलो गले में लगेगी तो पूरी बर्फ से कवर हो जाती है। हाँ। और इसको वैसे लगाते हैं बाद में। हाँ अच्छा मतलब ज्यादा हो तो लेमन है। हाँ। पानी डालो। हाँ। और ये हमारा चौथा गिलास, तीन गिलास हमने महादेव प्रसाद जी के लिए भर दिया, एक हमने आज बिजी दिन था हमारा, सही इधर हमने इधर महादेव जी को मिस किया, उधर भाई साहब को मिस किया। मैं तो छुट्टी पे हूँ आजकल,
छुट्टी में हमने भी देखा है कि अगर ऐसे कहीं घूमते हैं ना जब तक फैमिली ना हो तो हाँ अगर ऐसे छुट्टी के साथ में एंजॉय कर रहे थे लेडीज अपना कर रही होती है आराम। और फाइनली ये महादेव प्रसाद गोस्वामी जी आ चुके हैं और इनकी खुशी में इनका पैक तो हमने पहले ये कहाँ उनका गिलास किधर है ये वाला गिलास ये पहले से पड़ा हुआ है और भाई साहब ने बोला था नहीं कि भाई साहब ने बोला था इसमें डालते रहो पर हमने एक ही डाला अभी और डालते हैं सर और सामने हम वो देख रहे हैं गाँव कुटियार देख रहे हैं और भटगांव टेरी गढ़वाल अभी नजर आनो जवा भटगांव भटगांव टेरी गढ़वाल चंद्रबंदी ग्राम सभा जय माँ चंद्रबंदी हाँ हम देख रहे भटगांव तुम काफी देर से इंतजार कर रहे थे भाई साहब का तो हमारी महफिल में एक बंदा कम था अब लगा महफिल का पूरा मजा तो मैं भी बहुत एक्साइटेड था आने के लिए लेकिन जब लाइफ में ऐसा होता ना कि कुछ बंदिशें भी हैं कुछ वो भी जरूरी है जरूरी है जरूरी है जरूरी है जीवन अगर वो नहीं है ना तो जीवन भी नहीं जीवन भी नहीं और उसके बिना मजा भी नहीं मजा भी उसका भी मजा आया आपका वेट वेट किया हमने ऐसे रहोगे ना कि यार नहीं है बंदिश हां जो हमने आपका वेट किया जो गिलास में डाला उसका भी अलग मजा है जो मैंने वेट किया जो हां उसका भी अलग मजा है मतलब दिमाग में वही था ना कि जाना है हां ऊपर से मैसेज भेज रहा था वॉइस मेल डाल रखा था मैंने खुशी की वैल्यू तब पता लगती है जब गम चल रहे हो तो उसका भी एक अजीब मजा क्या क्या बोला खुशी की वैल्यू तब होती है जब गम चल रहे हो और गम चल रहे गम ना आए तो पता भी नहीं लगेगा इसको गर्म करके के बिना दुख का एहसास सही बात ये तो बहुत जरूरी है जैसे बारिश का मजा अलग और धूप का मजा अलग हाँ जी ये क्या डाल दो मैंने छह बार कम लग रहा हो तो कम लगो तो अपन डाल जरा अपन मजा अपन डाले तुमने हाँ हाँ मतलब तुम अपना हमारा माँ तुम अपने हिसाब से डाला तुम्हारा माँ हमने क्या हिसाब से डाल दो दूध डालो इसमें दूध डालो इसमें दूध डालो भाई साहब इनके इनके इसमें हाँ कोई नहीं चलेगा दूध डाल दो अच्छा गोमा सुंगरी वेगन सुंगर ज्यादा वेगन गोमा हाँ गोम गुठियार बोला माँ उसका भी यूक्रेन का वो जबरदस्त चल रहा है उसमें के वे उसने वो कर दिया उसने उसमें चालू चालू करें दो रीजन अलग कर दिया उससे यूक्रेन ने अलग कंट्री बना दी रशिया ने किस कौन सी एक चीज और भी है मैंने देखे कि रशिया के सपोर्टर बहुत है यूक्रेन के अंदर वही वही एरिया है जिनको बोल रहे विद्रोही बोल रहे हैं विद्रोही हाँ उन लोगों का सपोर्ट है अच्छा लोकल लोग जैसे ना जैसे यूक्रेन के लिए कोई मना भी नहीं करेगा ना ना बात तो सही है सही कह रहे हो आप तो तुम उन्हें समझ के तुम कर दिए जान देते हो बहुत अच्छा लोग चेक कर जान दिए है सॉन्ग कर दिए हैं कुछ नहीं भाई कौन सा प्रदेश ये भाई ये अपने गांव गुठियार वाले तो उसमें अच्छा अच्छा गांव गुठियार का वो चलना अभी बांदर बहुत वेगन आजकल गाँव में जो हाँ बांदर का क्या घुमा ज्यादा वेगे ना बांदर अब लोग छनी जो को तो बांदर ही हो तो अब कुत्ता वत्ता घूंदन जा ना पहले बांदर भगा होता है अब जब लोग ही नींद कुत्तों ने बन गया हूं समझ गया तू तो ये पब्लिक छनी च जब लोग गांव बेटी कम वेगे नहीं तो बांदर ज्यादा वेगे नहीं गांव में लोग कम वेगे तो बांदर ज्यादा वेगे नहीं चक्कर हाँ बांदर सुअर गोणी उनके जंगल तो सब काट दिए नहीं वो बात सही जंगल कम वेगे नहीं लेकिन जब लोग भी कम वेगे नहीं तब वो गोणी बांदर ना सीधा गोमा आना अटैक करनो थे गों का भीतर भीतर बाग काट दिया रोड बात तो सही नहीं मकाने बन गए हैं
नहीं पर कई जगह है, जंगल है, लोग ही नहीं तो जंगल भी खुद ही बढ़ना चलो। नेपाल बसनो छु पहाड़ में और पहाड़ी बसनो छ ना देहरादून में। ना ना बात ठीक है, बात तो सही है। और बस एक कमरा मिल जाए लोगों को देहरादून में। ना ना बात सही है। अपने बैंकर दो बेगी बाल बस। और इसमें एक चीज़ लोग नहीं है। बात सही है। अखिल में हम लोगों ने बोला था इसमें कमी तो हमारी खुद। ना ना कमी हमें खुद ही छाप है साफ बात। हम दूसरे कैसे हैं यार। अच्छा 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 बहुत लंबी बात हो जाएगी है। सभी अपने अपनी जिंदगी को अच्छा जीना चाहते हैं। सही कह रहे हो। इसमें सबसे ज्यादा जो कमियां हैं समाज के उन लोगों का है जिन्होंने दिशा दिखानी थी, जिनकी जिम्मेदारियां थी, ठीक है। और कुछ गवर्नमेंट की भी होती है। गवर्नमेंट ही वही तो वही है फाइनली गवर्नमेंट ही हो जो जो दिशा दिखाती है। हमने जिनको चुना हुआ है उन्होंने वैसे वो बनाए थे। जैसे अब ये कंट्री इन्होंने इतना मतलब वो डेवलप कर रखा है कि यहाँ के लोग तो क्या बाहर से भी लोग आ रहे हैं। मतलब सही बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये होगा ना आप कोई कल को स्कॉटलैंड से लंदन आए हम नहीं बोलेंगे वो पलायन कर रहा है। ये नहीं बोल सकते कि पलायन कर रहा है किसी रीजन से क्योंकि वो दिखता है सामने। लेकिन हमारे उधर से कोई भी दिल्ली चला जाए तो वो पलायन हो गया क्योंकि सबको पता है वहाँ पे कुछ नहीं है, उसको प्रॉब्लम है तो वो बेटर लाइफ के लिए वहाँ। कोई लंदन से स्कॉटलैंड जाए या बर्मिंघम आए उसको पलायन नहीं बोले क्योंकि पता है सबको शिफ्ट हो रहे हैं। एक चीज और भी है इसमें कि ये दोनों चीज दोनों लोगों का वो है कि देखो जब पब्लिक जागरूक होगी तो लोग प्रोटेस्ट करेंगे, इनके वोट की पावर उनको पता लगेगी कि आने वाले 5 साल में हम क्या कर सकते हैं इनके साथ में। तो जब लोग मेजोरिटी बनाएंगे इस तरीके की, अभी जैसे आज तक जब उत्तराखंड बना, उत्तराखंड तभी ही बना जब लोग इकट्ठे हुए अभी बना। अब अगर ऐसा रोक तो ऐसी किसी में अभी तक ऐसी हिम्मत नहीं आई जिसने बोला कि पलायन रोक रहा चलो भाई आंदोलन कर रहे नहीं। किसी ने नहीं करा पलायन रोक नहीं पलायन। अभी धीरे धीरे जो है जैसे अब ट्रेन जाएगी तो आधा तो वही स्टॉप हो जाएगा। देखो पलायन रोकने का वो है कि उसके लिए यही था कि हमारे यहाँ स्कूल खोलो ये खोलो ऐसी चीजें हो, अगर यहाँ सरकारी स्कूल है तो यहाँ प्राइवेट भी हो इतने तो अगर जिस हिसाब से या तो एजुकेशन का स्टैंडर्ड बनाए। हमारे गांव में इतने कितने 3-4 करोड़ का एक हॉस्पिटल बना दिया, 1.5 करोड़ स्कूल पे लगा दिए, कुछ है ही नहीं। डॉक्टर कितने टीचर उस हिसाब से कहाँ रखे हैं, खाली बिल्डिंग ही बनाने से नहीं होगा दिखाने के लिए। अच्छा एक चीज और भी होता है ना कि आप ना किसी एक स्ट्रक्चर बना के दे दो किसी भी चीज का पौड़ी में चले जाओ इतना बड़ा हॉस्पिटल है वो जो स्टेशन पौड़ी में हॉस्पिटल बड़ा है एक डॉक्टर बैठता है कोई प्रॉब्लम है तो मुझे खुद पता नहीं मैं क्योंकि 10-12 साल बाद एक बार पौड़ी गया। वो भी क्या करता है उसके पास जाकर शाम को मेरी क्लिनिक में आना प्राइवेट में गवर्नमेंट का मतलब वो प्राइवेट चला रहा है। अब मेरे क्लिनिक में आना मेरे यहाँ में आना मैं सही वो कर दूंगा। अब ये पर्ची ले लो ये दवाई खा लो शाम को जो है उधर प्राइवेट उधर अपना है वो बहुत गलत है। इन लोगों को टीचर हो गया डॉक्टर इनको प्राइवेट प्रैक्टिस अलाउड ही नहीं है। हाँ इनको नहीं होना चाहिए प्राइवेट नहीं होना फोकस उधर हो जाता है। सही कह रहा हूँ बिल्कुल बिल्कुल 9 पूरी ड्यूटी भी कहाँ होती है वो दूसरा काम बजाएगा। अच्छा आप बहुत अच्छा सुंदर और ये भाई साहब का पालक पनीर छोले बस 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 इतना ही बहुत है इससे ज्यादा नहीं खाता मैं। खाना खा लेना चाहिए फिर बैठो। बात तो सही है आपको तो 5 बजे उठना ना इसलिए जाना ही पड़ेगा। नहीं तुम्हारा तो हम मानते हैं तुम्हारा तुम्हें तो एक ही दिन नींद आई थी बस वो तो हमने देखी थी कब नींद आई। क्या हुआ क्या हुआ ओके खाना खा लिया आप लोगों ने खाना खा लिया खाया
मजे ले लो तुम लोग तो भैया। ये कौन सा था? कल वाला था या आज वाला? आज वाला दिन चेंज हो गया ना। रोटी खाने खाली हमने दांत वॉबली हो रहा है इसका। गए भाई ये बंदर गए, अब बंदरों को बंद करो बहुत।